क्या कैडी जगह है यार, क्या बढ़िया जगह है यार, क्या मजा आ गया भाई। आज गुड फ्राइडे और अपन का सही में गुड फ्राइडे ही हो गया, गुड गुड फ्राइडे हो गया हमारा। तो अब हम लोग आ चुके हैं नू, ये रास्ता कहाँ से दिखा रहा समझ में नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से ये वाला रास्ता है। ये कहाँ से गाँव से लेके जा रहे है, चलो देखते हैं। अपन के पास तो बाइक है, बाइक तो चली जाएगी, कार होती तो थोड़ी दिक्कत होती। गूगल मैप शॉर्टेस्ट रूट के चक्कर में कहीं भी घुसा देता है, इसका ये मेरिट भी है डीमेरिट भी है, कभी कभी फंस जाते हैं हम लोग और कभी कभी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें दिख जाती हैं। थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करने के बाद हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं पक्के रास्ते पर। मुझे लगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अब समझ में आया हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वाह यार, मेरे आगे माइटी अरावलीज है, जो कि लेफ्ट में भी दूर दूर तक है और राइट में भी दूर दूर तक है। वाह, ओ माय गॉड। नलहार है ये, नलहार, इस गांव का नाम नलहार है। जो मैंने इमेजेस में देखा था शिव टेंपल का गेट, वो टेंपल का गेट अब ये आ चुका है। इमेजेस में इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन अब देखो, वाव, जस्ट सी दिस ब्यूटी यार। वाह, क्या बात है, क्या आर्किटेक्चर है, क्या गेट है, उम्दा। और आगे ये मंदिर है, ये मंदिर और देख लेते हैं। यहाँ पे बाइक खड़ी करते हैं छाव में। और ये रहा मंदिर। नमस्ते, दर्शन करने आए थे, फोटो ले सकते हैं? पूछ लेना चाहिए। जय महाकाल। तो बाबा जी ने बताया कि ये मंदिर पांडवों के जमाने से है, तो मतलब बहुत पुराना मंदिर है ये जी। अच्छा, तो ये मंदिर की आप ही देखते हैं सब? परमात्मा देखे सब, शहर देखे सब। सही बात है, एकदम सही बात है। हमको नहीं देखे। तो ये देखो, ये फोटो खिंचाने का वहाँ पे कैमरा रखा हुआ है। अरे यहाँ पे फोटो दिख रहा है, कुछ होता है ब्लिक वगैरह, ऐसे खड़े रहेंगे हम लोग। वो सही फोटो, सही बढ़िया। तो हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन कर लिया और वापस यहाँ से निकल रहे हैं। थोड़ी सी वहाँ पे वो गेट है बढ़िया सा, वहाँ पे दो चार फोटोज लेंगे। ये लगा रखा है यहाँ पे लॉक, और ये लॉक खुल नहीं रहा, और दोनों हेलमेट इसी में टिका के रखा है। तो भाई क्या लगता है, कितने चांसेस है खुलने के? नहीं यार, बेइज्जती हो रही है। अब बेइज्जती नहीं हो रही है, बेइज्जती खराब हो रही है। तो अब शिवम की बारी, ये अपना हाथ अजमा रहे हैं, देखते हैं के होंगे या शायद खुला। ओ हो हो हो, क्या बात है, शिवम ने खोल दिया। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, एक बार पकड़ो। अरे पकड़ो, सही, क्या बात है। तो इन शिवम भैया का फोटो से मन नहीं भर रहा। वैसे है इतनी लोकेशन प्यारी, इतना अच्छा गेट है, इतना तगड़ा आर्किटेक्चर है इसमें, इतनी इतना बारीकी वाला काम है, मतलब आप दर्शन करने तो आओ, लेकिन ये गेट जरूर देखने आओ यहाँ पे, है ना। अब हम चल रहे हैं कुंड देखने, चलो लेट्स गो। तो ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 3 किलोमीटर ही है बस, 6 मिनट का रास्ता दिखा रहा है।
अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप एक बढ़िया इंडियन ड्राइवर नहीं हो। यहीं से लेफ्ट दिखा रहा है तो ले लेते हैं लेफ्ट। ये है कुंड, या इसको क्या बोले, जो भी है वह ये है। धूप बहुत ही ज़्यादा है इसलिए पानी मार दिया यहाँ पे। हाई गर्मी, कितने जल्दी सूख रहा है ये, इतनी गर्मी है। हाँ थोड़ी राहत मिली। हाँ 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 भाई, ये अभी ये पानी नहीं होता ना, खड़े होकर चलाना पड़ता। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, पहले पानी पियेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। अब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग वाला रोड स्टार्ट होने वाला है, प्लेन्स में पहाड़ और पहाड़ अरावलीज के। वीडियो में दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे यहाँ से सब कुछ दिख रहा है कि कैसे रास्ता ऐसे 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 करके ऊपर गया है। वाओ अमेजिंग। एकदम पहाड़ों वाली फीलिंग आ गई है बॉस। वाओ ऊपर से ये देखो। इतने ऊपर ये पुलिस चौकी भी बना के रखी है। अभी पहाड़ के हम लोग बिल्कुल ऊपर है। यही तो मजा है राइडिंग का। अरे वो कौन सा गाना था जो हम लोग बजा रहे थे मैंगलोर ऊटी वाले में, अरे यार नाम भूल गया मैं। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, उसके आगे का लाइन मैं भूल गया। अबे तुम क्या चलाओगे पहाड़ में, हमको चलाने दो। इस रोड का नाम है 132, स्टे ऑन 132 है इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्या कैडी जगह है यार, क्या बढ़िया जगह है यार, क्या मजा आ गया भाई। आज गुड फ्राइडे और अपन का सही में गुड फ्राइडे ही हो गया, एकदम बढ़िया गुड फ्राइडे हो गया हमारा यार। क्या बात है, गुड ही गुड हो गया फ्राइडे तो हमारा, गुड गुड फ्राइडे हो गया हमारा। गुड गुड फ्राइडे। पाप से बचो, पाप समुद्र में भी नहीं समाता है, समझ गए। और इसी के साथ नगर पालिका तावड़ू आपका हार्दिक स्वागत करती है। पूरे ट्रिप में ये जो स्पीड ब्रेकर है ना, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है, कसम से बता रहे हैं आपको। तो हम लोग पहुँच चुके हैं तावड़ू और यहाँ पे पहले पानी पियेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। और रोड बहुत ही अच्छा था, माउंटेन वाला, मज़ा आ गया ना। वाह एक और ये दो
पानी पीने के बाद और एक प्रोटीन शेक पीने के बाद हम लोग वापस आ गए रोड पे। ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ हम लोग जा रहे हैं, वो 5.5 किलोमीटर और है, 8 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, तो अब वही मिलता है। और इस जगह का नाम है हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम। वाओ, दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं सिर्फ ये देखने के लिए, और हम भी इसीलिए आए हैं। ये है अलार्म क्लॉक, मतलब सर सर थोड़ा सा बाहर बाहर से सर, अंदर तो जाएंगे नहीं सर, बंद बिल्कुल बंद, सर 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 क्या बोलते सर, ट्राम, हाँ ट्राम है ये, आप जहाँ बोलो वहाँ चलवा दे। ये भी कुछ है, तो हम लोग म्यूजियम से वापस आ गए। वहाँ पे टिकट फी 400 रुपये था, मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा इसलिए मैं अंदर गया नहीं। बाकी फ़ोटोज़ वगैरह लिए थोड़ी बहुत बाहर से ही मैंने, वो देख लो। और मुझे ऐसा लगा कि 100, 150 या 200 तक होता तो अंदर वर्थ था जाना मेरे हिसाब से। अगर आपको ट्रांसपोर्ट में या थोड़ा सा हेरिटेज ट्रांसपोर्ट देखने का शौक है या देखने का मन करता है तो आप यहाँ आ सकते हो। मैं नीचे गूगल लोकेशन में डाल दूँगा। और ये ट्रांसपोर्ट म्यूजियम के एकदम सामने ही चौधरी ढाबा है, चौधरी ढाबा। और धूप बहुत ही तेज़ है, मेरे ख्याल से 40 डिग्री सेल्सियस हो चुका है अब धूप। बढ़िया, सही है, खाट पे बैठेंगे, टेबल पे नहीं बैठे, खाट पे बैठेंगे। ओहो हो हो, यही पे बैठेंगे, इधर से बैठेंगे और इधर से ऑर्डर करेंगे। ऐसे ये भाई लोग बैठ के खा रहे हैं खाना। तो भाई ये क्या क्या है? सही में आपका दाल मखनी, शाही पनीर, मटर पनीर, पालक पनीर, कढ़ाई पनीर, चिले पनीर, पनीर पसंदा, पनीर प्याजा, पनीर भुजी, मिक्स वेज। क्या ऑर्डर करना है अगर समझ आ गया हो तो? बताओ। तंदूरी रोटी मंगा देते हैं, तंदूरी रोटी मंगा देते हैं, दाल तड़का, दाल तड़का और आलू जीरा है, आलू जीरा। आगे अपन का खाना, ये है तंदूर रोटी, ये है दाल फ्राई और ये है आलू जीरा। एक और फट्टा लगा रहे, वो भी मुझे लग रहा था कि एक फट्टे की कमी लग रही है, अब बराबर हो गया। ये साफ़ करने से कोरोना तो नहीं जाएगा लेकिन धूल मिट्टी है वो साफ़ हो जाएगी थोड़ी सी। थोड़ा सा आलू लेते हैं, ये रोटी ले लिया गया है और इन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है। खाओ 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 खाओ, सब ज़्यादा भूख इन्हीं को लग रही है। पसंदीदा चीज़ है हमारी दाल, दाल से शुरू करेंगे। और इतना सारा हमने खाया और बिल आया है मात्र 250 रुपये। उधर की टिकट से आ कुछ बोल दो, क्या बोलना है, खाना तो महंगा है नहीं यार। बिल्कुल नहीं है महंगा, ये महिंद्रा वालों से मिला था, महिंद्रा वालों से अवार्ड मिला था 2016 में, अशोका होटल नई दिल्ली में जो पड़ता उसी में। अच्छा, तो सफ़र बस यहीं तक का था और अभी मैं जा रहा हूँ फरीदाबाद और ये लोग भाई जाएंगे दिल्ली, तो यहीं पे बाय बाय टाटा कर दे। थैंक यू यार, बहुत मज़ा आया आज, है ना, थैंक यू दोस्त आने के लिए, मज़ा आया, ठीक है, बहुत मज़ा आया। प्लान करते हैं कुछ, हाँ डन, हाँ उसको प्लान करते हैं, बहुत ही बढ़िया कंटेंट आ सकता है, हम लोग प्लान कर रहे हैं हम तीनों, है ना। और ख़ास बात ये है कि हम तीनों ही एक ही फील्ड से जुड़े हुए हैं तो और बढ़िया कंटेंट बनेगा अब, है ना। चलो फिर, ओके, तो अब खाना भी हो गया और वापस अब निकल रहे हैं घर के लिए। मेरा घर यहाँ से दिखा रहा है 60 किलोमीटर, इन लोगों का 59 दिखा रहा था क्योंकि रास्ता थोड़ा अलग है, कट जाता है। और हम लोग ये शिवनगरी सोना में आ चुके हैं और दोबारा से पहाड़ भी आ चुके हैं, माइटी अरावलीज जिसे क्रॉस करके सोना आएगा और सोना के बाद फरीदाबाद आएगा।
एक स्पॉट मुझे दिखा, वहाँ चल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, चल के देख के आते हैं। बाइक यहाँ पर खड़ी करते हैं और फटाफट देख के आएंगे। बस ये यहाँ से थोड़ा सा मुझे जंप करना है। काश मैं आपको दिखा सकता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन ये देखो, वाओ, ये यहाँ पे ये रोड, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे जाके आप आराम से बैठ जाओ और पूरा व्यू का मजा लो। अपन की एक फोटो ले ले। नाइस, नाउ लेट्स गो। अब हम लोग पहाड़ उतर रहे हैं, अभी तक हम लोग ऊपर ही थे, अब हम लोग जा रहे हैं डाउन हिल्स। ये भी एक व्यू पॉइंट है, देख लेते हैं, चलो। नाइस, फोटोज भी ले ली यहाँ पे, अब चलते हैं। रोड थोड़ी पतली है, देखो कुछ लोगों की वजह से ना दिक्कत हो जाती है, जब इनको जल्दबाजी होती है ना। आराम से जाओ, क्या दिक्कत है यार, थोड़ा लेट पहुंचोगे, 5-10 मिनट लेट पहुंचोगे। बस यार और नहीं, ये व्लॉग को मैं बस यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मैं मिलता हूँ अगले व्लॉग में किसी और राइड पे। बाय बाय।